गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 10 की हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको बाल गोविंद भगत इस पाठ का सारांश बताएंगे। बच्चों, ये बाल गोविंद भगत आपके क्षितिज का दूसरा पाठ है और ये रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। इसमें एक ही पात्र उभर कर आता है, एक ही चरित्र मुख्य रूप से उभर कर आता है, वो है बाल गोविंद भगत जी। बाल गोविंद भगत जी का रेखा चित्र में वर्णन करते समय लेखक ने लिखा है, बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल पक चुके थे, अर्थात बाल सफ़ेद थे। वे बहुत कम कपड़े पहनते थे, कमर पर एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी लगाते थे। वे कबीर को ही अपना साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे तथा उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खरा व्यवहार करते थे, मतलब जो सच होता था वही कहते थे। वे किसी की चापलूसी नहीं करते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि वे कोई साधु संन्यासी थे, वे भी हमारी तरह एक सामान्य गृहस्थ थे। उनके पास थोड़ी सी खेती और एक साफ सुथरा मकान था। उनका एक बेटा और बहू भी थी। उनका सबसे बड़ा गुण उनका मधुर कंठ था और कबीर के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। वे कभी किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं लेते थे तथा उनके खेतों में भी जो कुछ पैदा होता था वे उसे कबीर पंथी मठ में चढ़ा देते थे और प्रसाद स्वरूप वहाँ से जो कुछ मिलता उसी से अपनी गृहस्थी चलाते थे। भगत जी को संगीत से बहुत प्रेम था। इतना प्रेम था कि उनकी पड़ोसियों की नींद उनकी खंजड़ी की झनकार और उनका मधुर गीत सुनकर ही खुलती थी। वे खेतों में काम करते हुए भी कबीर के पद गाया करते थे। शाम के समय लोग उनका भजन सुनने भी जाया करते थे। उनके मधुर गीतों को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष और उनकी वैराग्य भावना उस दिन देखने को मिलती है जब बीमारी के कारण उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि लोग रोज उनके घर जाते थे परंतु उनका पुत्र बीमार है यह किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि वे अपनी परेशानी किसी से बताते ही नहीं थे। पर मृत्यु है, ये बात तो सभी को पता चल जाती है, ये तो छिपाए से भी नहीं छिपती। जब लोग उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि भगत ने अपने पुत्र के शव को चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया था और उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर कर उसके सिर के पास एक दिया जलाया हुआ है और स्वयं वहीं बैठकर कबीर के निर्गुण भजन गा रहे हैं। और बहू से भी कह रहे थे कि रो मत, आज एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। वो आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है तो यह रोने का समय नहीं है, यह उत्सव मनाने का समय है। यद्यपि वे कोई समाज सुधारक नहीं थे, फिर भी उन्होंने समाज की बनी बनाई लीक से हटकर अपनी बहू से पुत्र को मुखाग्नि दिलवाई। हमारे समाज का ये नियम है कि मुखाग्नि कोई पुरुष ही देता है, चाहे बेटा हो, भाई हो आदि। स्त्रियों को शमशान में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन भगत ने इस बनी बनाई परंपरा से हटकर अपनी बहू से मुखाग्नि दिलवाई और श्राद्ध अवधि पूर्ण होने पर उन्होंने अपनी बहू को उसके भाई के साथ जबरदस्ती मायके भेज दिया और ये कहा कि यह अभी बहुत कम उम्र की है, अतः इसका दूसरा विवाह करा देना। बहू यद्यपि की जाना नहीं चाहती थी, उसने कहा कि मेरे जाने के बाद आपकी देखभाल कौन करेगा, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती उसे मायके भेज दिया। बहू के चले जाने के बाद कुछ समय तो उनके ऐसे ही बीते।
एक बार वे 30 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा स्नान करने गए। उनका ये नियम था कि वे हमेशा गंगा स्नान करने पैदल ही जाते थे और घर से खाकर जाने के बाद वापस घर आकर ही कुछ खाते थे। पर युवावस्था की बात कुछ और थी। बुढ़ापे में उनका शरीर इतनी मेहनत और भूख प्यास सह नहीं पाया। 30 किलोमीटर पैदल चलकर जाने के बाद और वहाँ से वापस लौटने के बाद उन्हें थकान से बुखार आने लगा, जिसकी तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और अपना दैनिक कार्य जैसे पहले करते थे उसी तरह करते रहे। एक दिन भोर में भगत का गीत सुनाई नहीं दिया तो उनके गांव वालों ने उनके घर जाकर देखा तो भगत जी मरे हुए पड़े थे। यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।